अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाएंगे मस्जिदुल अक्सा की। आपको दिखाएंगे मस्जिदुल अक्सा अंदर से कैसी बनी हुई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस जगह पर कदम मुबारक रख कर मेराज पर गए थे, वो कौन से मकाम है जहां खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 अंबिया की इमामत फरमाई, बैतुल मुकद्दस, मस्जिदुल अक्सा और कुब्बते सहरा में क्या फर्क है, मस्जिदुल अक्सा के इर्द गिर्द लोगों का रहन सहन कैसा है, इसके अलावा बहुत से ऐसे हकायक और दिलचस्प मकामात दिखाएंगे जो आपके लिए नए होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को जरूर दबाइएगा ताकि हमारी हर इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो आपको मिलती रहे। चले अब वीडियो का आगाज करते हैं। मस्जिदुल अक्सा की तारीख बहुत पुरानी है। ये जमीन पर बनाए जाने वाली दूसरी मस्जिद थी और आज मुसलमानों के लिए तीसरी अहम तरीन मस्जिद की हैसियत रखती है। खाना काबा की तामीर के तकरीबन 40 साल बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसको तामीर किया। आज इसका कुल रकबा 1,44,000 मुरब्बा मीटर है। इस जगह 5,00,000 से ज्यादा लोग नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिदुल अक्सा को बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे कि बैतुल मक्दस, दीवारे बुराक, मस्जिद किबली, मस्जिद मरवान, मकामे बराक, दीवारे गिरिया और हरम शरीफ। फलस्तीन का शहर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 3,000 साल पहले कनान के लोगों ने आबाद किया। इसका नाम फलस्तीन भी इन्होंने ही रखा था। कई हजार साल ये लोग इस जगह कयाम पजीर रहे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ खाना काबा तामीर किया और अपने दूसरे बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के साथ मस्जिदुल अक्सा को तामीर किया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद आगे मुसलमान और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद यहूदी कहलाई। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस को संभाल लिया। इसके बाद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास नबुवत आई और इनके 12 बेटे थे, जिसमें से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबुवत से नवाजा। ये सब मिस्र में आबाद हो गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब आए तो अल्लाह के हुक्म से आपने अपने लोगों को मिस्र में मौजूद फरौन से बचाया और लोगों को दोबारा फलस्तीन की तरफ ले आए। इस तरह बनी इसराइल दोबारा फलस्तीन की तरफ आबाद हो गए। उसके बाद दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर आ गया। उन्होंने दोबारा मस्जिदुल अक्सा की तामीर का काम शुरू किया, क्योंकि मस्जिदुल अक्सा सिर्फ खंडरात बन चुकी थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इस काम को अपनी जिंदगी में मुकम्मल ना कर सके। इस काम की जिम्मेदारी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिम्मे आ गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के पैगम्बर थे। आपने मस्जिदुल अक्सा की तामीर को मुकम्मल किया। इराक के बादशाह ने 587 बीसी में बैतुल मक़दस पर हमला किया और चंद दीवारों के अलावा सब तबाह कर दिया। इसने यहूदियों का कत्ले आम किया और इनके मजहबी सहीफों को भी जला दिया। कुछ अरसा बाद ईरान ने यरूशलेम को फतह कर लिया। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम भी इसी शहर में रहती थी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी मुकद्दस शहर में पैदा हुए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के 70 साल बाद रोम के लोगों ने मस्जिदुल अक्सा पर हमला कर दिया। इन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया, सिर्फ चंद दीवारें ही बची। वाके मराज तक ये मस्जिद ऐसे ही रही। मुसलमान पहले इसकी तरफ रुख करके इबादत करते थे, लेकिन बाद में अल्लाह के हुक्म से इनका किबला खाना काबा को बना दिया गया। लेकिन मस्जिद अक्सा का रुतबा मुसलमानों के दिलों में जरा बराबर भी कम नहीं हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 6 साल बाद मुसलमानों ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की क्यादत में मस्जिदुल अक्सा को फतह कर लिया। इसके बाद अब्दुल मलक बिन मरवान की हुकूमत में कुब्बते सहरा की तामीर की गई। 1099 में सलीबियों ने इस पर दोबारा कब्जा कर लिया।
और मुसलमानों की खून की नहरें बहा दी। जब नूरुद्दीन जंगी का दौर आया तो बैतुल मकदस को ईसाइयों से हासिल करने के लिए मुहिम शुरू कर दी, जिसकी तकमील सलाहुद्दीन अयूबी ने की और सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मकदस को फतह कर लिया। 1918 तक बैतुल मकदस मुकम्मल तौर पर मुसलमानों के पास रहा और 1918 के बाद बरतानिया ने इसे दोबारा अपने कब्जे में ले लिया। बरतानिया के कब्जे की देर थी कि यहूदी यहाँ तेजी से आना शुरू हो गए और 1948 में यहूदियों ने जबरदस्ती अपने अलग मुल्क इसराइल का ऐलान कर दिया और फलस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म का आगाज हो गया। दोस्तों आपको बताता चलूं कि तीन चीजें अलग अलग हैं, कुब्बत सहरा, मस्जिद अल अक्सा और बैतुल मकदस। जो आपको वीडियो में नजर आ रहा है गोल्डन गुंबद, जहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफर शुरू किया था, इसे कुब्बत सहरा कहते हैं और इस पूरे इलाके को जिसके इर्द गिर्द चार दीवारी भी हुई है जिसमे मस्जिद अल अक्सा भी शामिल है, इसे बैतुल मकदस कहते हैं। और ये है मस्जिद अल अक्सा जो कुब्बत सहरा के बिल्कुल सामने मौजूद है। इस मस्जिद में औरतों के लिए अलग सेक्शन बनाया गया है जहां औरतें अलग से नमाज पढ़ सकती हैं। मस्जिद अल अक्सा की जियारत क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में हदीस में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन मस्जिदों के लिए सफर किया जाए, पहली मस्जिद नबवी, दूसरी मस्जिद अल हराम और तीसरी मस्जिद अल अक्सा। कुरान पाक में भी मस्जिद अल अक्सा का जिक्र आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुसलमान 16 से 17 महीने तक इसकी तरफ रुक कर नमाज पढ़ते रहे हैं। मस्जिद अल अक्सा में भी नमाज पढ़ने का सवाब हजारों नमाजों के बराबर है। मस्जिद अल अक्सा का दूसरा नाम किबली मस्जिद भी है। अंदर से ये मस्जिद बहुत खूबसूरत और बहुत यूनिक है, आर्किटेक्चर भी बहुत खूबसूरत है। अंदर से ये मस्जिद शाम में मौजूद उमैया मस्जिद से मिलती जुलती है, जैसा कि शाम की वीडियो में दिखाई थी। डोम के ऊपर मोज़ेक और आर्ट वर्क बहुत ज्यादा किया गया है, जिसे देखते देखते इंसान खो जाता है। जो आप वीडियो में मिंबर देख रहे हैं, ये सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का मिंबर है जो अभी तक 1200 साल गुजरने के बाद भी मौजूद है। ये लकड़ी से बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। इस मस्जिद के नीचे बेसमेंट में कदीम मस्जिद अल अक्सा यानी पुरानी मस्जिद अल अक्सा मौजूद है, जिसकी सीढ़ियां बाहर की तरफ से नीचे जाती हैं। ये हिस्सा सबसे पुराना हिस्सा है जहां लोग आकर नफल नमाज भी अदा करते हैं और इस जगह पर बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ाया जाता है। दोस्तों ये गोल्डन गुंबद जो आप देख रहे हैं, ये अब्दुल मलक बिन मरवान ने बनवाया था। इसके साथ जो छोटे साइज में आप देख रहे हैं, पहले ये मॉडल बनाया गया था कि इसको ऐसे तैयार किया जाएगा। उस वक्त ये गुंबद ग्रे रंग का था। उर्दन के बादशाह शाह हुसैन ने 1993 में इस पर 200 किलो सोने को इस गुंबद पर चढ़ाया। इसके अंदर वो मुबारक पत्थर या चट्टान मौजूद है जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पांव मुबारक रख कर मेराज का सफर शुरू किया। और इसके बाहर एक जगह मौजूद है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 अंबिया कराम की इमामत फरमाई। यहां पर इमामत फरमाने के बाद आप अंदर कुब्बत सहरा की चट्टान पर तशरीफ ले गए। कुब्बत सहरा के अंदर तीन मुसल्ले बने हुए हैं, एक मुसल्ला इब्राहिम है, मुसल्ला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसल्ला दाऊद अलैहि सलाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुसल्ला बनाया गया है, ये वही जगह है जहां आपने कदम मुबारक रखे और आसमानों का सफर शुरू हुआ। चट्टान के नीचे भी जगह मौजूद है जहां लोग दो रकात नमाज भी पढ़ते हैं। एक जमाने में इसी चट्टान के ऊपर कुर्बानी की जाती थी और नीचे वाले हिस्से में इसका हून आ जाता था और इस जगह पर सुराख भी मौजूद है। जो हून यहाँ पर इकट्ठा होता था, उस हून को वादी कदरून में बेच दिया जाता था, इसलिए ये एक वक्त में कुर्बान गाह भी थी। दोस्तों आपको एक बात बताता चलूं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ लेकर गए थे, उस वक्त ये बिल्डिंग मौजूद नहीं थी, सिर्फ चट्टान मौजूद थी और ना ही ये जगह मुसलमानों के पास थी। ये तमाम इलाका रोमन्स के कब्जे में था।
यहूदियों का कहना है कि इस चट्टान के नीचे ताबूते सकीना मौजूद है, और यहूदियों के मुताबिक हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस चट्टान के ऊपर करना चाहते थे। और यहूदी ये भी कहते हैं कि इनका मसीहा आएगा और इसी चट्टान के ऊपर कुर्बानी करेगा, और फिर हैकल सुलेमाने की दोबारा तामीर की जाएगी और पूरी दुनिया में हमारी हुकूमत और राज होगा। इस वजह से यहूदियों के लिए कुब्बत सहरा बहुत अहमियत रखता है। मुसलमानों के नज़दीक इस जगह की अहमियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज पर जाने की वजह से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक भी इसके अंदर मौजूद थे, लेकिन अब वो मौजूद नहीं है। इस पूरे हिस्से के 9 गेट है। इनमें सबसे खूबसूरत गेट दमिश्क गेट है। इसके चारों तरफ में दीवारें मौजूद है और इसको ओल्ड सिटी भी कहा जाता है। यहाँ बहुत सी छोटी छोटी दुकानें और बाजार मौजूद हैं। ये जगह मुस्लिम क्वार्टर का बाजार है जहाँ अक्सर लोगों का रश रहता है। इर्द गिर्द की बिल्डिंग भी बहुत पुरानी और खस्ता हाल है। कपड़े, जाय नमाज और दूसरी चीजें यहाँ लोग बेचते हैं। विजिटर बहुत ज्यादा इन बाजारों में आते हैं। अरबी में इसे सूक कहते हैं। इसराइलियों ने मुकम्मल तौर पर कैमरों से यहाँ पर कंट्रोल किया हुआ है। इसके अंदर से ही रास्ता आर्मेनियन क्वार्टर की तरफ भी जाता है जहाँ इनके चर्च बने हुए हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। बाजार से होते हुए आप लाइन गेट से मस्जिदुल अक्सा के कंपाउंड में दाखिल हो जाते हैं। जब आप बाजार से निकलेंगे तो सबसे पहली नजर आपकी कुब्बत सहरा पर पड़ेगी। कुब्बत का मतलब गोल्ड है क्योंकि इस पर सोना लगा हुआ है। यहूदी इस जगह को टेम्पल माउंट कहते हैं क्योंकि ये वो जगह है जहां यहूदियों का पहला और दूसरा टेंपल मौजूद था। पहला टेंपल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था और दूसरा टेंपल हेरोद, जो इसराइल किंगडम के किंग थे, उन्होंने बनाया था, जिसको रोमन्स ने गिरा दिया था। इस कंपाउंड के वेस्ट साइड पर एक दीवार मौजूद है जिसे वेस्टर्न वॉल कहते हैं, जिस दीवार के साथ यहूदी खड़े होकर इबादत करते हैं। अल्लाह ताला फलस्तीन में मौजूद मुसलमानों की मदद फरमाए और हम सबको मस्जिदुल अक्सा की ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा।